देख पुष्पा। पुष्पराज। हाँ भाई पुष्पराज, देख आज पीटीएम है तो तू मेरे साथ चलना। मैं तेरा बाप थोड़ी ना है। मेरे बाप को नहीं ले जा सकता ना, क्यों बे? तू समझना यार, मेरे कांड ही ऐसे हैं। चल ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सर है तेरे? हाँ ये पीजे सर है। और ये कौन है? सर ये मेरे पापा है। मैं नहीं मानता। क्यों सर? शक्ल ही नहीं मिलती। माँ पे गया है। क्या नाम है तेरे बाप का? पुष्पा। इसकी माँ का नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं। पुष्पराज। अबे ये अनपढ़, माँ बाप दोनों का नाम नहीं पूछा। तो राज साहब। पुष्पराज। अबे सर सर सर, पापा का ही नाम पुष्पराज है। पर रजिस्टर में तो रॉकी लिखा है। हाँ सर रॉकी है। पुष्पराज। तेरे बाप ने तो पुष्पा बोला ना। अरे हाँ भाई, पुष्पा राज बोला। सर ये तो इनका निकनेम है। कितने नाम है बे तेरे बाप के? पुष्पा, रॉकी, अब ये निक। निकनेम मतलब उपनाम। देखो पुष्पा जी, दिखाइए। अरे अबे ये तुम्हारा लौंडा इतना हरामी है कि मैंने मेरी पूरी टीचिंग करियर में ऐसा हरामी स्टूडेंट नहीं देखा है। तो मैं क्या करूं? हाँ तुझे ठीक से देखना चाहिए ना। कैसा बाप है रे तू? फायर है मैं। पिछले हफ्ते मैं SST में बाल विवाह के बारे में पढ़ा रहा था, तो ये महाशय तुम्हारे लाडले जी बोलते हैं। बोल रहे क्या बोला था? हाँ बोल के दिखा अपने बाप को। कसम खुदा की, अगर बाल विवाह पर बैन नहीं लगा होता तो मैं चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ देता। तो क्या गलत बोल दिया? हाँ इसी चक्कर में मैं भी कवारा है, नहीं तो बचपन में ही अपुन की शादी हो जाती। अरे यार अगर तू तो कवारा है तो ये प्रोडक्ट अमेज़न से मंगवाया है क्या? सर, इसमें चुप ऐसा बे, तू तो बेटा अब गया, नकली बाप को लेके आया तू। सॉरी सर। अब तो गए काम से।